Hello guys, welcome back to our beautiful channel Reading Mania. If you are new in my channel, then please subscribe my channel and also like my videos and share my videos. तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर नंबर 1. ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है. अगर आप लोग मेरा पहले का वीडियो नहीं देख चुके हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. तो चलिए शुरू करते हैं. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स. तो चलिए शुरू करते हैं. हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? ब्रांचेस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स. ब्रांचेस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स. तो क्लासिकल फिजिक्स जो होता है ये 4 टाइप्स का ब्रांच होता है इसका. क्लासिकल क्या है? फिजिक्स. क्लासिकल फिजिक्स का कितना ब्रांच होता है बोला? 4 ठो ब्रांच होता है. क्या होता है? पहला होता है मैकेनिक्स, सेकंड होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी मतलब उसका इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड होता है ऑप्टिक्स एंड फोर्थ वन इज थर्मोडायनामिक्स. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको क्या बनाएंगे, बक्स बनाएंगे. यहाँ पे हमारा पहला आ जाएगा क्या? मैकेनिक्स. मैकेनिक्स मैकेनिक्स. सेकंड हो जाएगा हमारा क्या? इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी. थर्ड आ जाएगा हमारा, थर्ड होगा ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स. और फोर्थ वन में को किस कहाँ पे लिखेंगे? फोर्थ वन के लिए तो जगह नहीं है तो यहाँ पे ही लिख देते हैं हम. यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स. थर्मोडायनामिक्स फिर भी जगह नहीं हुआ. थर्मोडायनामिक्स अच्छे से नहीं दिख रहा है, नीचे लिख देते हैं तो आपको फिर परेशानी होगी ना. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं थर्मोडायनामिक्स. थर्मोडायनामिक्स हो गया. तो क्लासिकल फिजिक्स जो है क्या क्या है? पहले तो मैकेनिक्स है उसका ब्रांच, फिर क्या है? फिर इलेक्ट्रिसिटी है, फिर ऑप्टिक्स है, और फिर नेक्स्ट क्या है? फोर्थ वन है हमारा क्या? थर्मोडायनामिक्स. तो ये चारों जो है ये क्या क्या है? तो चलिए हम अभी देखते हैं व्हाट इज मैकेनिक्स. मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स एक क्या है? ब्रांच ऑफ क्लासिकल फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन. किसके स्टडी के ऊपर ये डील करता है? मोशन के स्टडी के ऊपर डील करता है ये. तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं. और मैकेनिक्स का फिर बहुत सारा ब्रांच होता है, उसको भी अभी हम लर्न करेंगे. इसको मिटा देता हूँ पार्ट 3, तो आपको पता चल गया ना उसको और क्या करेंगे लिख के. तो चलिए फिर यहाँ पे देखते हैं मैकेनिक्स. फर्स्ट हमारा ब्रांच जो है क्लासिकल फिजिक्स का मैकेनिक्स. मैकेनिक्स व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ क्लासिकल फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन. तो यहाँ पे लिख देते हैं ए ब्रांच ऑफ क्लासिकल फिजिक्स व्हिच डील्स विथ द which deals with the study, किसके स्टडी? किसके? मोशन का स्टडी को ये बिलोंग करता है. तो फिर मैकेनिक्स फिर कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होते हैं. क्या क्या है वो? मैकेनिक्स कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का. ये हमारा हो गया. ये क्या है? फर्स्ट टाइप है हमारा स्टैटिक्स. सेकंड टाइप क्या है? काइनेमेटिक्स. थर्ड टाइप क्या है? डायनामिक्स. हो गया. तो मैकेनिक्स जो है वो 3 टाइप्स का होता है. फर्स्ट क्या है? स्टैटिक्स. सेकंड क्या है? काइनेमेटिक्स. और थर्ड वाला क्या है? डायनामिक्स. तो चलिए हम अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं. नेक्स्ट हमारा सेकंड ब्रांच क्या था क्लासिकल फिजिक्स का? सेकंड ब्रांच था इलेक्ट्रिसिटी. तो अभी हम इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कस करेंगे. पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे.
तो चलिए अभी हम सेकंड वाला ब्रांच देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ये आप लोग लिखना खत्म कर दिए तो मैं मिटा देता हूँ अभी इसको। क्या पढ़ेंगे अभी हम? इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? द सेकंड ब्रांच ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। ये आप लोग सोच रहे होंगे ना, लेकिन इसका हम अभी डेफिनेशन लिखेंगे। क्या है इलेक्ट्रिसिटी? सेकंड ब्रांच, सेकंड ब्रांच है हमारा क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इट इज द ब्रांच ऑफ, ब्रांच ऑफ किसका ब्रांच है कि? क्लासिकल फिजिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ क्लासिकल फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस। चार्जेस मतलब यहाँ पे जो मैं बोला चार्जेस, व्हाट आर द चार्जेस? चार्जेस फिर टू टाइप्स का होता है, आपको पता है कि नहीं? चार्जेस, सॉरी चार्जेस, पहला तो है पॉजिटिव चार्ज होता है, फिर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसके इसके ऊपर जो हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। हो गया। तो यहाँ पे अभी हम डेफिनेशन पूरा लिख देते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे, ए ब्रांच ऑफ क्लासिकल फिजिक्स which deals with the study of किसके ऊपर स्टडी करते हैं? विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस। अभी मैं बताया था ना चार्जेस। हो गया। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम इसका क्या देखेंगे? टाइप्स देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का। फिर फोर टाइप्स का होता है इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका फिर दो टाइप्स का होता है। ये पहले नोट डाउन कर लीजिए। हो गया। तो चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का क्या टाइप्स। इलेक्ट्रिसिटी का टाइप्स, फोर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर देयर, ऐसे बोलते हैं ना। तो चलिए हमारा फर्स्ट टाइप यहाँ पे लिख देंगे, फर्स्ट यहाँ पे हो जाएगा, सेकंड यहाँ पे हो जाएगा, थर्ड यहाँ पे हो जाएगा, फोर्थ। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट टाइप है इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकंड है हमारा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। फिर क्या है? थर्ड वन इज हमारा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। फिर फोर्थ वाला क्या है? फोर्थ वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का फिर टू टाइप्स का होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स फिर दो टाइप का है, वो वाला क्या क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स आर ऑफ टू टाइप्स। इसकी रस्सी को इधर, हाँ हो गया। तो इसको फिर नीचे ले आते हैं। हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्या है? एनालॉग, एनालॉग। और सेकंड वाला क्या है? डिजिटल, डिजिटल। हो गया। तो इलेक्ट्रिसिटी का इतना सारा टाइप्स होता है। फर्स्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स, थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, फोर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स फिर टू टाइप्स का होता है, क्या क्या है? एनालॉग एंड डिजिटल। हो गया। तो इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? ऑप्टिक्स, जो हमारा थर्ड ब्रांच है क्लासिकल फिजिक्स का। इसको पहले हम नोट डाउन कर लीजिए। हो गया। तो चलिए हम शुरू करते हैं अभी ऑप्टिक्स। व्हाट इज ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स भी क्या है? थर्ड ब्रांच ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। सिर्फ फिजिक्स बोलने से हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि फिजिक्स फिर थ्री टाइप्स में डिवाइड हुआ है ना, क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स एंड रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। ये हमारा पार्ट टू वीडियो में हम देख चुके हैं, उसको पहले आप देख लीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम देखते हैं ऑप्टिक्स, थर्ड वाला जो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स, तो व्हाट इज ऑप्टिक्स? द स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट। तो इसका भी उसी फॉर्म में लिखेंगे, उसी फॉर्मेट में। ए ब्रांच ऑफ क्लासिकल फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ
लाइट। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स फिजिक्स व्हिच व्हिच डील्स विद द व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट बिहेवियर ऑफ लाइट लाइट। हो गया, तो एक ब्रांच है फिजिक्स का, फिजिक्स सॉरी देखिए यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स हो जाना चाहिए था, क्लासिकल फिजिक्स हो गया। तो ब्रांच ऑफ क्लासिकल फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिक्स बोलेंगे। ऑप्टिक्स फिर टू टाइप्स का होता है, इसको आप पहले क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। हो गया क्या? तो चलिए हम अभी इसका टाइप्स पढ़ते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स आर ऑफ टू टाइप्स, ऑप्टिक्स आर ऑफ टू टाइप्स, फिजिकल एंड ज्योमेट्रिकल। ऑप्टिक्स आर ऑफ टू टाइप्स, ऑप्टिक्स आर ऑफ टू टाइप्स, फिजिकल फिजिकल और यहाँ पे क्या है, ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल। हो गया, फिजिकल और ज्योमेट्रिकल। फिजिकल जो है, फिजिकल किसके बेसिस पे हम इसको डिस्कस करते हैं, मतलब इसके फिजिकल के ऊपर कौन सी का स्टडी किया जाता है, वेव वेव नेचर जो होता है मैटर का उसके ऊपर। और जो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल दिया है, ज्योमेट्रिकल क्या है, रे। हो गया, तो इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स का पढ़ेंगे, फोर्थ वाला जो ब्रांच था, लिख लीजिए इसको पहले। हो गया, चलिए अभी हम देखते हैं थर्मोडायनामिक्स। व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स? थर्मोडायनामिक्स इज ऑल्सो ए ब्रांच ऑफ क्लासिकल फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट हीट तापमात्रा टेम्परेचर, उसके ऊपर जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनामिक्स बोलेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, फोर्थ वाला ब्रांच हमारा क्या है, थर्मोडायनामिक्स थर्मोडायनामिक्स। हो गया, तो इसका कितना तो ब्रांच है, इसका फिर दो तो ब्रांच है। पहले इसका डेफिनेशन लिख देंगे, हाँ पहले इसका हम डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद लिखेंगे ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स फिजिक्स क्लासिकल फिजिक्स क्लासिकल फिजिक्स। अरे यार यहाँ पे तो जगह नहीं हो रहा है, क्लासिकल फिजिक्स। हाँ हो गया, क्लासिकल फिजिक्स विच डील्स विद द विच डील्स डील्स विद द विद द स्टोरी ऑफ विच डील्स विद द स्टोरी ऑफ विच डील्स विद द स्टोरी ऑफ हीट डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। हो गया, फिर थर्मोडायनामिक्स कितने टाइप्स का होता है, थर्मोडायनामिक्स होता है टू टाइप्स का। तो थर्मोडायनामिक्स इसको हम टीडी लिख देते हैं, थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट हमारा क्या होता है, फर्स्ट हमारा एक होता है, फिर सेकेंड होता है। पहले इसका डेफिनेशन को आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम इसका क्या देखेंगे, टाइप्स देखेंगे। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी। हो गया, तो अभी हम इसका देखते हैं, फर्स्ट टाइप इसका क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप ये हमारा हो गया क्या, फर्स्ट टाइप है स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकल, और सेकंड टाइप क्या है, क्लासिकल क्लासिकल। हो गया, जो हीट के ऊपर जो हम स्टडी करते हैं, टेम्परेचर के ऊपर जो हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, थर्मोडायनामिक्स। और जो हम टेम्परेचर के ऊपर जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। उसका टाइप्स क्या क्या होता है, स्टैटिस्टिकल और क्लासिकल क्लासिकल स्टैटिस्टिकल। तो इसमें हमारा वीडियो होता है एंड, हमारा आगे का वीडियो आता रहेगा, आप लोग प्लीज देखते रहना, लाइक भी करते रहना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज लाइक कर देना, और मेरे चैनल में जो न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब के लिए बाय बाय।